अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो थर्ड प्रॉफ में सैदला में हम लोग सफ़ूर साजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चार दवाओं को पीसने का तरीका सीख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग दो नई दवा को पीसने का तरीका सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। तो आज की पहली दवा है मस्तगी, जिसे हम इंग्लिश में मेस्टिक गम भी कहते हैं, और इसको पीसने के कई तरीके हैं। तो हम लोग एक एक करके उन तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि आप खरल लीजिए, खरल कोई सा भी हो, ठीक है, संगे सुमाक हो, संगे स्याह या संगे मरमर, कोई सा भी आपके पास खरल हो, तो हम उसमें मस्तगी को रख देते हैं, ठीक है। और मस्तगी येलो कलर की शाइनिंग करती हुई गम है, ठीक। और उसके बाद हम खरल के हैंडल से उसको हल्के हाथों से रगड़ते हैं, ठीक है, हल्के हाथों से इस तरफ, इधर और इधर। यानी अगर सपोज़ ये खरल है और इसमें मस्तगी रखी हुई है और ये हैंडल है खरल का, तो हम उसे इस तरीके से रगड़ते हैं, ठीक है, ना कि ऊपर से ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, देखिए, अगर हम खरल में या मस्तगी को हवन दस्ता जो लोहे का होता है इसमें अगर पीसने लगे और ऊपर से ज़ोर से चोट मारकर, तो क्या होगा कि जो मस्तगी होगी वो इस हैंडल और इस बेस से, जो इसका बेस है, इससे और हैंडल से फ्रिक्शन जो होगा उसमें हीट निकलेगी और उस गर्मी से ये मस्तगी चिपकने लगेगी। और वही चीज़ यहाँ भी, जैसे खरल में अगर आप ज़ोर से मारने लगे तो इन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन होगा, घर्षण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, रगड़ होगी, और इसकी गर्मी से मस्तगी यहाँ चिपकने लगेगी, तो हम उससे पीस नहीं पाएंगे, तो पीसना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इसमें नहायत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि हम मस्तगी को हल्के हाथों से रगड़कर इसका सफूफ बनाएं। तो ये पहला पॉइंट अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कि मस्तगी को खरल में डालकर नहायत हल्के हाथों से पीसा जाता है, वरना खरल की गर्मी से या खरल की रगड़ से जो हरारत पैदा होगी उससे मस्तगी नरम होकर खरल की सतह पर चिपकने लगेगी और फिर उसका सफूफ बनाना या उसको पीसना दुश्वार हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी लाइन आपको एग्ज़ाम में लिखनी होगी अगर क्वेश्चन आता है मस्तगी का सफूफ कैसे बनाए या मस्तगी को कैसे पीसा जाए, ठीक है। तो आइए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अब हम लोग। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप उसे नहीं पीस पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो हम उसके साथ किसी चीज़ का और इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शक्कर, ठीक है। आपने खरल लिया, ठीक, और उसमें सबसे पहले आपने शक्कर रखा, चीनी, शुगर, ठीक है, शक्कर रख दिया, उसके बाद आपने मस्तगी डाल दी, ठीक है, फिर ऊपर से थोड़ा सा शक्कर, और फिर हम उसको खरल में अच्छी तरीके से पीसते हैं। तो एक बेस मिल गया, उसे उसके साथ पीसते हैं हम लोग। तो जो दोनों चीनी आपस में जब रगड़ती हैं तो फ्रिक्शन होता है हल्का, बहुत माइनूट सा, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला नहीं होता कि चिपकने लगे, बस एक उसको बेस मिल जाता है कि इसके साथ मस्तगी का पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो अगर पहले तरीके से सफूफ नहीं बन पाता है तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि चीनी के साथ उसे मिक्स करके हम उसका सफूफ बनाते हैं, ठीक। और एक चीज़ का ख्याल रखना है इसमें कि सपोज़ अगर मस्तगी को आपको जिस भी नुस्खे में मिलाना हो, जिस भी दवा में आपको शामिल करना हो, तो क्या है कि उसमें अगर शक्कर मौजूद है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर शक्कर है उसमें, शहद है या फिर मिश्री है कोई भी, ठीक, तब हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी दवा में शक्कर शामिल नहीं करना है आपको और आप उसको इसके साथ पीस कर मिला देंगे तो दवा के कुछ दवाई अज्जा कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर उस दवा में शक्कर शामिल करना है तो उसको हम इसके साथ मिलाकर पीसते हैं, और अगर उस दवा में शक्कर नहीं है तो बाकी और तरीक़ों से पीसा जाता है, ठीक। तो ये था दूसरा तरीका। अगर इस बात को आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप लिखेंगे कि मस्तगी का सफूफ बनाने के लिए कभी कभी हम शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो खरल में सबसे पहले शक्कर डालें, उसके बाद मस्तगी, फिर थोड़ी सी और शक्कर डालकर खरल को हल्के हाथों से चलाकर रगड़कर मस्तगी का सफूफ हासिल कर लें।
मस्तगी को पीसने का तीसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। अगर दिसंबर, जनवरी या फरवरी की ठंडी पड़ रही हो तो उस वक्त आप मस्तगी को थोड़ा नहीं पी सकते आम तरीक़ों से, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और वो जमी हुई होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है पीसना। तो उसमें सबसे आसान तरीका है कि आप एक बर्तन लीजिए, ठीक है, कढ़ाई, और उसके बाद इसमें आप डालिए मस्तगी, ठीक, और उसके बाद थोड़ा सा घी, घी यानी रोगने गाँव यानी गाय का घी या जो भैंस का दूध है उससे जो घी बन रहा कोई भी देसी घी जो आम घरों में मिलता है उसे ले लें और उसे डालकर उसमें शामिल करें हल्का और आग पर पका दें, ठीक है, तो मस्तगी पिघल जाएगी घी के साथ, ठीक। तो जो महलूल बना यानी जो सोल्यूशन बना, महलूल मतलब सोल्यूशन, जो आपको पूरा सोल्यूशन मिला, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी किसी दवा में शामिल करना हो। हाँ, किसी दवा में अगर शामिल करना है तो इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं फिर उसके बाद उसमें शामिल करते हैं, थोड़ा सा ठंडा, नीम गर्म, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत देर तक छोड़ तो फिर घी जमने लगती है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का जब ठंडा हो जाए तो फिर अगर किसी कबाब में शामिल करना है शक्कर या शहद के कबाब में तो उसमें आप डालकर अच्छी तरीके से चलाकर शामिल कर सकते हैं, ठीक। अब इस चीज़ को अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि मस्तगी को घी के हमराह गरम कर उसका महलूल तैयार कर लेते हैं और जब किसी कवाम में शामिल करना हो तो उस महलूल को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें यानी नीम गरम हो जा रहने दें, ठीक। मस्तगी को पीसने के ये तीन आसान तरीके थे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिसमें कि पहला हमने सीखा मस्तगी को सिर्फ खरल में डालकर हल्के हाथों से पीसे, ज़्यादा तेज़ ना पीसे वरना गर्मी से चिपकने लगेगी। दूसरा हमने पढ़ा कि मस्तगी को शक्कर के हमराह चीनी के साथ मिलाकर पीस ले, उससे भी आसानी से पीसा जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा पढ़ा कि घी के साथ गर्म करके उसका सोल्यूशन जब हल्का ठंडा हो जाए तो किसी कवाब में जो जिस दवा में शामिल करना उसमें शामिल कर ले। तो ये पूरी डिटेल थी मस्तगी को पीसने की। लोग मुकिल की बात करेंगे तो आइए जानते हैं कि मुकिल का सफ़ूफ़ या मुकिल को कैसे पीसते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, हाँ, मुकिल को हम लोग गूगल भी कहते हैं, गूगल, ठीक है, कुछ लोग गूगल भी पढ़ते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बॉसवेलिया सेराटा गम्स, ठीक है, इसका बॉटेनिकल नेम है बॉसवेलिया सेराटा। तो ये देखते हैं मुकिल को किस तरीके से हम पीसते हैं। सबसे पहले कि हम इसे हल्का सा नरम करते हैं पीसने से पहले, क्योंकि ये बहुत सख्त होते हैं और टाइट होते हैं और ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं ये, ठीक है, डार्क ब्लैक और ब्राउनिश हल्का सा मिक्स कलर होता है मुकिल का। और इसको पीसने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में एक कढ़ाई लीजिए, ठीक है, और उसमें इसे मुकिल को डालकर हल्का सा गर्म कर लीजिए, हल्का, बहुत नॉर्मल टेम, बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी। और ये जो टेम्परेचर वगैरह का सिस्टम होता है कि आपको कब तेज़ आँच रखनी है कब कम रखना है, सैदला में जब दवा बनाने में आप आएंगे प्रैक्टिस में तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आ जाएंगी। कोई किताब नहीं सिखाती कि आप कैसे टेम्परेचर कब कितना रखें, हाँ बस उसमें लिखा होता है कि कम आँच पर और ज़्यादा आँच हरारत पर है इस तरीके से, लेकिन वो आपको अपने प्रैक्टिस में सीखना होगा जब आप दवा बनाएंगे। तो देखिए इसकी जो हरारत है वो नॉर्मल रहेगी, बहुत कम, और इसको हल्का नरम कर लें, ठीक है, और जब नरम हो जाए तो इससे निकाल कर आप इसे खरल में डालकर अच्छी तरीके से पीस लें हल्के हाथ से, ठीक है, और जब ये पूरी तरीके से पीस जाए तो आप इसे जहाँ शामिल करना है जिस दवा में मिलाना है आप मिलाकर शामिल कर सकते हैं। तो अगर आपको गोगुल या मुकिल का सफ़ूफ़ या उसको पीसना है तो इस तरीके से पीसेंगे, और एग्ज़ाम में लिखना हो तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो गोंद है मुकिल उसको सबसे पहले हम कढ़ाई में डालकर हल्का गर्म करते हैं नीम गर्म, उसके बाद हम उसे खरल के हमरा पीसकर उसका सफ़ूफ़ बना लेते हैं और जहाँ भी जिस दवा में शामिल करना हो उसे शामिल कर लेते हैं। एक और दवा है उश्क, ठीक है, आप सेम इस तरीके से ही उसका भी सफ़ूफ़ बनाएंगे, तो मैं उसे अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं उश्क और मुकिल का सफ़ूफ़, सेम तरीका यही होगा, ये दोनों गोंद हैं और इनको पीसने का तरीका सेम। आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आप मस्तगी और मुकिल का सफ़ूफ़ बनाना सीख चुके होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
और आप लर्न यूनानी का फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि और भी वीडियोस कब और आने वाली हैं। और लिंक अपने बैचमेट जूनियर को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, कुछ नई दवाओं को पीसने का तरीका सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।